कि मटके का पानी जो यूज करते मिनरल्स जो होंगे पानी चो ज्यादा होंगे। कुछ स्टडीज ये भी कहदियां हैं कि ईवन जड़ियां स्किन दियां प्रॉब्लम्स हैगियां वो भी मटके दे पानी ना थोड़ियां ठीक रहिंदियां। प्रिकली हीट हुण सब तो ज़्यादा होनी है, उहदे वास्ते तां ये है एक तां तुसीं अपनी बॉडी हाइड्रेट रखो, बॉडी हाइड्रेट की 2 तो 3 लीटर पानी पीओ है ना। तो इस मौसम च कोशिश करो कि तुसीं सिंथेटिक कपड़े एंड टाइट कपड़े घट्टो घट्ट पाओ। जिस तरह गर्मी का मौसम वाधा जा रहा उस तरह ही मटके की डिमांड भी वाधी जा रही है। साढ़े ना डॉक्टर वरीना जी मौजूद है, उन्होंने भी गलबात करते हैं। मैडम पहला मेरा यही सवाल है, गर्मी का मौसम वाधा जा रहा मटके की डिमांड भी वाधी जा रही है, डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि मटके का पानी जरा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। एक तो यह हैगा कि मटके का पानी जो यूज़ करते मिनरल्स जोड़े होंगे पानी चो ज़्यादा होंगे। नंबर 2 कि टैंपरेचर जिहड़ा हुंदा है वो अपनी बॉडी लई ठीक है। जिस तरह हुण करोना काल चल रहा उहदे च वी कहिंदे कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पैना पीना चाहिए, नाल ही गला फड़िया जाना है ना, तो वो टैंपरेचर भी उन्ना मेनटेन रहिंदा। कुछ स्टडीज़ ये भी कहिंदियां हैं कि ईवन जिहड़ियां स्किन दियां प्रॉब्लम्स हैगियां वो भी मटके दे पानी नाल थोड़ियां ठीक रहिंदियां। पर गर्मी दे मौसम सब तो वड्डी गल ये कि थोड़ी बिजली दी बचत, कि बिजली का बिल थोड़ा घट आएगा जी। बिल्कुल, जिस गर्मी का मौसम जिदा ही शुरू होंदियां उस तरह स्किन दियां प्रॉब्लम भी वधनियां शुरू हो जांदियां, कि इहदे पिछे की कारण? जिस तरह इहदे विच 2 तरह दियां होंदियां प्रॉब्लम्स, एक तो जिहड़ियां ऑलरेडी स्किन प्रॉब्लम्स हैगियां जिहड़ियां गर्मी दे करके वध जांदियां। नंबर 2 हैगी है कि जिहड़ा पसीना जदों ज़्यादा आना है तो जिहड़ियां प्रॉब्लम्स उहदे करके हुंदियां। जिहड़ा पसीना ज़्यादा आन करके हुंदी है उह जिस हुण पित्त हो गई, जिदा आपां कहिंदे आ पित्त हो गई, प्रिकली हीट जिहड़ी हैगी उह हो गई, या जदों तुहानू जदों पसीना ज़्यादा आया तो जिहड़े तुहाडे बॉडी फोल्स हैगे उहदे विच पसीना खड़ा रहा तो उहदे करके फंगल इनफेक्शन, या फिर जिस तरह पसीना ज़्यादा आन करके हुण कई वारी अजकल मिठा मुठा भी ज़्यादा खा हो जाता है तो उहदे करके फोड़े फिंसियां जड़े हो जाते, वो चीज़ा हो गई, ये चीज़ा होंदियां। किस तरह इन्हां तों जिहड़ा बचाव किया जा सकता? इन्हां तों बचाव इस तरह किया जा सकता कि तुसीं जिहड़े तां पित्त जिद्दां हुण आपां लईए प्रिकली हीट हुण सब तो ज़्यादा होनी है, उहदे वास्ते तां ये है एक तां तुसीं अपनी बॉडी हाइड्रेट रखो, बॉडी हाइड्रेट की 2 तो 3 लीटर पानी पीओ है ना। उस तो बाद जिदा वाटरमेलन आ जाता वो लै सकते हैं, कोकोनट वाटर आ जाता है वो लै सकते हैं, या तुसी फ्रेश जूसेस पियो, या फिर वाइटामिन सी वाले जिहड़े सारे फ्रूट्स हैगे वो तुसी लो। एक ये है कि जिदा हुण पसीना ज़्यादा, जिन्हां नूं ये भी टेंडेंसी हुंदी अपनी अपनी बॉडी दी, कईयां नूं बहुत पसीना आंदा कईयां नूं घट आंदा, कि जिन्हां नूं पसीना ज़्यादा एटलीस्ट 2 वारी नहाउण। फिर जिहड़े लोकी अजकल जिदा जिमिंग दा बहुत ट्रेंड हैगा है तो उहदे विच जदों तुसीं जिमिंग करके आए हैं तो तुसीं आंदे ही अपने कपड़े उह मतलब नहा के तो अपने कपड़े चेंज कर लो है ना, ये ना होवे कि पसीने वाले ही कपड़े तुसीं पाए हुण उही पसीना सुक जावे, फिर वो जिहड़ियां हैगियां फंगल इनफेक्शनस नूं ज़्यादा हुंदा। तो इस मौसम च कोशिश करो कि तुसीं सिंथेटिक कपड़े एंड टाइट कपड़े घट्टो घट्ट पाओ, क्योंकि जिन्ना सिंथेटिक एंड टाइट कपड़ा पाओगे वो पसीना नूं उन्ना ही बॉडी दे नाल रोक के रखेगा। कपड़े जिहड़े पाने आ वो लाइट कलर प्योर कॉटन एंड जिहड़े तुहाडे पूरी कवर करन बाहां नूं एंड नैक नूं वो पाओ। जे हो सके तो तुसीं गर्मी तो बचण लई छाता यूज कर सकते हो या फिर तुसीं हैट लै सकते हो, और सब तो इंपॉर्टेंट काम आंदा है सनस्क्रीन दा। चाहे तुसी रूटीन बना लो कि चाहे तुसी घरों बाहर जाना या नहीं जाना, तुसी सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। जिहड़ा यूवी ए एंड यूवी बी रेस जिहड़ियां सांदियां हैगियां दोनों नूं कवर करे, और सनस्क्रीन जिहड़ा तुसी लगाना हैगा वो तुसी घरों निकलन तो 20 मिनट पहला लगाना है, एंड हर सनस्क्रीन की लाइफ जिदा मोस्ट ऑफ सनस्क्रीन जिहड़े हैगे उन्हां दी लाइफ जिहड़ी हैगी 3 तो 4 घंटे हुंदी है, वो तुसी उस तो बाद फिर चेंज ही करना मतलब धो के दोबारा ही लाना पएगा। और की लास्ट दे विच मैसेज देना चाहते हो इस गर्मी दे मौसम नूं? अपना शरीर पूरा हाइड्रेट रखो, पानी पियो, जूस लो, फ्रूट्स खाओ, बाहर का खाना पीना थोड़ा घटा दो, और जड़ी हैगी मतलब अपने कपड़े उस मौसम दे हिसाब नाल पाओ, और जिद्दां कि हले करोना असीं ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल चला गया, असीं फ्री हो गए,
ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਕ ਐਕਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਕੋਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਹਰੇਕ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਟਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਟਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਏਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵੀਰ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼।